कहाँ यार, हमको ही क्यों मिलता है यार हमको। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो फिर तो हमको ठोक देता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो यार कमेंट किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी, कि अगर वीडियो में कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग मुझे बताओ यार। गाइस आज संडे था तो मॉर्निंग पे हम राइड नहीं जा पाए थे क्योंकि हम थोड़ा सा यार क्या बोले लेट से उठे, और भी एक रीज़न था आप लोग को पता ही होगा, लॉक्स का टायर पूरा ख़त्म हो चुका है तो वो कैसे जाएगा पतरातू। तो हम अकेले नहीं राइड करते हैं, उसके बिना तो हम राइड बहुत कम ही करते हैं, जैसे जब हम घर जाते हैं तब हम उसके बिना राइड करते हैं, नहीं तो हम तो राइड ही नहीं करते उसके बिना। मज़ा नहीं आता है मुझे अकेले राइड करने में उसके बिना, बहुत बहुत आप लोग वीडियो ही नहीं देखे होंगे उसके बिना। कहाँ यार, अब बताओ मेरा इसमें क्या गलती, देख रहा है कहाँ बताओ। हमको ही क्यों मिलता है यार, हमको ही क्यों मिलता है। अभी अभी तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि हम स्पीड पे थे या फिर कुछ ऐसा, बस देख रहा है भाई, दोनों साइड देख के पार करो ना अगर तुमको पार ही करना है तो। यार चलो आज फाटक तरफ से आए हुए हैं हम, तो आज फाटक लगा हुआ नहीं है गाइस, जल्दी से निकल जाते हैं नहीं तो फिर यहाँ पर 10 या 15 मिनट के लिए अटक जाएँगे, तो फटाफट निकलते हैं फाटक से। तो 89 बुलाया लॉक्स ने मुझे और बोला कि आओ, अभी नीसू भी आया हुआ है तो प्लान देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी तो पहले 89 जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रील्स भी शूट करना है, बहुत दिनों से हम लोग रील्स भी शूट नहीं किए हैं भाई। जब से मेरा नंबर प्लेट का बोल्ट गिर गया है ना, तो मेरा नंबर प्लेट का मैग्नेट है वो ख़राब हो चुका है जैसा लग रहा है, मुझे न्यू मंगाना पड़ेगा। और बेली पेन का आप लोग को बोले थे ना यार, बेली पेन यार बहुत ट्राई कर रहे हैं हम, बहुत ट्राई, शोरूम में भी नहीं है, बाकी लोकल वाला दुकान में नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग को किन्हीं के पास ड्यूक 390 का यानी RC 390 का आगे का बेली का जो जाली है वो अगर है तो मुझे DM करना यार, हम उससे ले लेंगे। अगर किन्हीं को बेचना है तो, यानी अगर आप लोग किन्हीं को है देने का तो आप लोग मुझे देना यानी DM करना, तो मैं पैसा देके ले लूँगा आप लोग से। सो गाइज, मैं दोनों जगह पे रिप्लाई करता हूँ, Instagram और YouTube पे भी, तो आप लोग जहाँ चाहे वहाँ आप लोग हम मुझे DM कर सकते हो और कमेंट करना, कमेंट हम पढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, सबका रिप्लाई करते हैं यार, भले बुरा बोल रहा तो उसका भी हम रिप्लाई करते हैं और अगर अच्छा बोल रहा तो भी रिप्लाई करते हैं। हम ऐसा नहीं कि वो बुरा बोल रहा तो हम उसको इग्नोर करते हैं, नहीं भाई, हम बुरा बोल रहा है तो भी हम देखते हैं कि वो बोला क्या है। मेरे ही बारे में बोला तो अच्छा बात है भाई कि मेरे बारे में उसने बोला। इस ब्लॉग एडिट करते करते बहुत ज़्यादा शाम हो गया, हमको बुलाया था 4 बजे तो हम अभी 5 बजे जा रहे हैं, ब्लॉग एडिट करते करते टाइम लग ही जाता है। शेड्यूल पर छोड़ के गए हैं, अभी अपलोड हो गया 5 बजे आज। तो अभी यार मौसम देखो बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, रांची का मौसम कब बदल जाए समझ में नहीं आता है हमको। ये देखो कभी भी चेंज हो जाता है, बस बारिश ना करे, क्योंकि आज हम बैग भी नहीं लाए हैं, अगर बैग लाते हैं तो वो पीछे पूरा छिट्टा बचाता है, पर आज हम बैग भी नहीं लाए हैं तो छिट्टा बचने वाले में से तो है नहीं, हम पूरा बर्बाद हो जाएगा। रुक जाओ यार, इंडिकेटर दिए नहीं दिख रहा है क्या यार, मेरा पीछे का रिंच बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, उसके लिए दूसरा बॉक्स लेना होगा मुझे, क्योंकि वो जो पहले वाला बॉक्स था वो फट चुका है, तो उस पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं लगता है, मुझे दूसरा लेना ही पड़ेगा, वो नीचे गिर जाएगा जैसा लग रहा है। तो चलो यार इस उबड़ खाबड़ से निकलते हैं, देखते हैं कि आज का सीन क्या है, क्योंकि आज संडे है और सदाबहार चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकता है मेरे ख्याल से। सदाबहार चौक और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि यार कोई देखो यहाँ से अचानक निकल जाता है और कोई कोई जो राइट लेने का होता है वो बहुत जल्द यार उतना जल्दी राइट लेता है पर इंडिकेटर नहीं देता,
तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप लोग जब भी यार कहीं पे मुड़ते हो, एक तो हाथ दिया करो, नहीं तो इंडिकेटर दे दो। देखो ये इंडिकेटर दिया हुआ है पर इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है, तो इंडिकेटर का महत्व को समझो यार। कॉल भी नहीं लग रहा है इन लोग का, पता नहीं कहाँ पे है। मैंने अभी कॉल किया था पर ये लोग नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, पता नहीं कहाँ है। कॉल करना होगा कि ये लोग है कहाँ पे। आज सारा दुकान बंद है इधर, क्या है पता नहीं। लाक्स का कॉल नहीं लग रहा था, निशु को करते हैं। अभी हम लोग आए हुए थे इधर, देख लो इधर आर्मी वालों ने भगा दिया। अभी फिर जा रहे हैं जंगल। भाई क्या परेशानी है पता नहीं, अब देखो क्या दिक्कत था। इधर से कट मार के यार अगर हम लेफ्ट करते हैं तो फिर तो हमको ठोक देता। ओ खतरनाक, चलो ठीक है भाई। अभी जाएं तो जाएं कहाँ हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सब जिधर जा रहे हैं उधर भगा दे रहा है, यानी हम ही लोग को नहीं पूरा सबको भगा दे रहा है। देखते हैं कि अब कहाँ का सीन बनाते हैं, चलते हैं अब फिर से जंगल। अभी से सोच रहे थे कि मेरा GoPro ऑन है और यार तभी का ब्लॉग बना ही नहीं पाए हम, तभी यार अचानक GoPro ग्लिच हो गया और अभी देख रहे हैं तो यार फिर बैटरी खोलना पड़ा मुझे और फिर से लगाना पड़ा। तो GoPro का जब भी ग्लिच होता है तो एक बार बैटरी को खोलना पड़ता है फिर दोबारा लगाना पड़ता है। तो अब भी हमको पता चल रहा है यार रात हो गया अभी और अभी जा रहे हैं हम रूम। तभी से मेरे को लग रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है पर रिकॉर्ड नहीं हो। GoPro ग्लिच होने से कुछ भी हो सकता है यार, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो अभी चलो यार जा रहे हैं, ये वीडियो लॉन्ग नहीं छोटा सा एकदम छोटा सा बना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं अब सीधा रूम। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और मिलते हैं फिर अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज़।